वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। वो बॉल के अंदर स्प्रिंग था। हाँ जी, इसका प्रूफ है आपके पास? नहीं, अभी प्रूफ तो नहीं है, नेट पे देख रहे हैं। ओवर का गेम रह गया है, 6 बॉल्स हैं, 16 रन स्कोर करने हैं। राजा साहब भी मेरी तरह थोड़े से मुरझाए हुए हैं, या तो टाइम ज्यादा हो गया राजा साहब, नींद नहीं, नहीं, नहीं मैं मुझे देखे, मैं तो एक आपने पूछा था, मैंने वो कह दिया था कि इंडिया दिल चाह रहा था, ऐसा हमारा बिल्कुल चाह रहा था, नहीं जिस तरीके से मैच हुआ ना, हाँ जी लग रहा था कि सिंगल्स का खेल है, लेकिन कैसल के करते हैं स्पीड, वो बड़े मैच का प्लेयर है, नो डाउट, ठीक है, पूरे वर्ल्ड कप में उसका स्कोर देख ले और आज के मैच में स्कोर देख ले, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या कंपैरिजन है उसका, ठीक है, वो मैच विनर बंदा है और बड़े मैच का प्लेयर है, जब उसको जरूरत हो, अपनी टीम को उसकी जरूरत हो तो वो बहुत अच्छा खेलता है। यार मुझे अभी इतना मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना पाकिस्तान के ऊपर, अच्छा, कि यार वो जवेद मियां दाद खान जैसे खिलाड़ी कहाँ गए हैं, ये तो बात है, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी कहाँ गए हैं। तो इस वक्त इंडिया जीत चुका है T20 वर्ल्ड कप, अगर मार्केट के हालात कैमरा दिखाए तो लोग इस वक्त जो है रोड पे आ चुके हैं और इस वक्त हर बंदा ये जो है चाहता है कि वो कैमरे के सामने आए, अपने ख्यालात का इजहार करे। हमारे साथ कुछ ऑडियंस मौजूद है, क्या कहेंगे, इतना टफ मैच इंडिया ने 176 किया और साउथ अफ्रीका ने निहायत ही अच्छा परफॉर्म किया, 169 रन किए, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह ने क्लैश को आउट करके जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका से वापस ले लिया। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर किंग कोहली आज उसने कर दिखाया है कि वो किंग है और बाबर आजम को इस बात पे थोड़ी सी सोचना चाहिए, कुछ और नहीं कि यार उसने आज किंग बन के दिखाया। पासा पलट दिया, इस साइड की ऑडियंस को भी गेंद किया गया, सर इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है और इंडिया ने आज जादू किया है, आज जिस तरह 25 रन चाहिए थे वो नहीं हो सके, विराट कोहली ने देखें कितना आज ओवर सर बड़ा इंपॉर्टेंट था, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से मिलर को आउट किया, साउथ अफ्रीका ने बड़ी एफर्ट की, साउथ अफ्रीका हार गया। मैं कहते मेरे दोस्त कह रहे हैं इंडिया ने किया जादू, अच्छा 26 बोले थी 25 रन नहीं हुए, इतना अच्छा मिलर खेल रहा है, हाँ। इतने अच्छे उनके बैट्समैन पड़े हुए, स्कोर नहीं हो रहा, ये मेरा दोस्त कह रहा है, आज जश्न मनाया जाएगा, देखें जेंटलमैन सब उदास हैं, क्या हो गया सलमान, आप तो कह रहे थे कि इंडिया कदरतन फेवरेट है, आप क्यों डाउन हैं? मैं आई एम नॉट डाउन एट ऑल, आई थिंक दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। जब 24 पे 24 चाहिए थे उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं, क्या उसके बाद बासित भाई क्या स्ट्रेटजी गलत हुई? बाबर के लिए मैं अंडे लाई हूँ, दिल का डर के मुंह तोड़ के जवाब दूं से क्या अंडे के लिए रह गया। जय हिंद दोस्तों, तो पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया हो या फिर पाकिस्तान की आम पब्लिक हो, तो दोनों ही जिस आईक्यू लेवल की दुहाई दे रहे हैं, मतलब इतना बुद्धिमान व्यक्ति आइंस्टाइन हुआ करता था एक समय, लेकिन आइंस्टाइन को पीछे छोड़कर पूरा पाकिस्तान उतना ही बुद्धिमान बन गया, हालांकि जैसे आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल एग्जैक्ट तो पता नहीं 160-170 होगा, इनका शायद 200-250 होना चाहिए आईक्यू लेवल, क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि बॉल के अंदर स्प्रिंग था, क्यों था स्प्रिंग, क्योंकि इंडिया को जिताना था, BCCI बिक गया था, जितनी भी टीमें खेल रही थी वो सारे देश बिक चुके थे, इंडिया ने सबको खरीद लिया था, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बिका, देखिए पाकिस्तान बहुत ईमानदार था, वो तो उसे साजिश के तहत हराया गया, बाकी बिका नहीं है पाकिस्तान जैसे देश बहुत कम दुनिया में मिलेंगे जो बिकते नहीं हैं, बाकी पूरी दुनिया बिक गई, अमेरिका तक बिक गया, बताइए दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है, वो भी उनकी टीम भी बिक गई, क्योंकि इंडिया को जीतना था, इंडिया सबको खरीद लेता है, तभी तो बॉल के अंदर स्प्रिंग था अभी, तो ये आर्गूमेंट इनकी पब्लिक का है और इनका मेनस्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि भाई 24 बॉल पर 24 रन चाहिए थे, फिर भी साउथ अफ्रीका नहीं बना पाया, आराम आराम से खेल लेते, अब इन लोगों को ये कैसे मेनस्ट्रीम मीडिया में जाकर बैठ गए हैं, जब आपको सेम बॉल पर सेम रन चाहिए होते हैं तो ये पता तो सामने वाली टीम को भी होता है, तो वो फील्डिंग उसी हिसाब की लगाती है कि ये सिंगल भग ही ना पाएं, बड़ा शॉट देने के लिए जाएंगे तो विकेट के चांस होते हैं, बड़ा शॉट ऐसा ही कोई नहीं दे देता कि हाँ चल इस बॉल पे छक्का देना है मुझे, पहले से ही मूड बनाकर वो सिक्स दे दे तो सिक्स लग भी जाए, थोड़ा वेट इधर उधर हुआ कि कैच लिप जाता है, ठीक है ना, तो फील्डिंग भी मैटर करती है, सामने वालों को भी पता होता है, और इस टाइम पे दबाव होता है, कम बॉल है और उसी हिसाब के रन बचे होते हैं तो दबाव होता है टीम के अंदर, पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया है, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया क्या क्या बात करता है, उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, उफ, कमाल, एक अक्षर पटेल का कैच सही, एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं, इतनी
इतनी प्रेशर सिचुएशन में आप बाउंड्री लाइन की नोक पे खड़े हैं, आखिरी ओवर है, 6 पे 16 चाहिए, और आपको पता है कि अगर ये गया तो फिर 5 पे 10 है, यानी वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप पकड़ा है असल में उन्होंने, बार बार वर्ल्ड कप पकड़ा है, छोड़ा है, पकड़ा है, फिर बिल आखिर जो है वो होल्ड कर लिया है। देखिए यही तो बात है, नर्व्स पे काबू रखना जो हम बिग मैच का कहते हैं वही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जिस तरह से क्लासन मार रहे थे और जो शानदार उन्होंने इनिंग खेली है उसके बाद सिर्फ न उस पर काबू रखा, वेटिंग फॉर वन चांस, जब 24 पे 24 चाहिए थे उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं? क्या उसके बाद बासित भाई क्या स्ट्रैटेजी गलत हुई कि यानी अब तो या हाइंडसाइड में हम कह सकते हैं 30 बॉलों में 30 रन चाहिए, क्लासन 23 गेंदों में 50 कर चुके हैं, और वहां से अगर बॉलिंग उनकी वापस लाई है, जो उन्होंने बॉलिंग किया, जो फील्डिंग किया, जो कैचेस किए हैं, सूर्य कुमार यादव का आप कैच देखें, अंडर प्रेशर जिस तरह की कैप्टनसी की है रोहित शर्मा ने, I think they deserve every bit of this victory and they've been knocking on the door. वो टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेले, वो वन डे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, and at last they've sneaked in, थोड़ा दरवाजा खुला और वो आ गए अंदर। क्योंकि आपको 24 पे 24 चाहिए तो उसके बाद तो मैच अब हाथ में आ गया, अब रन अ बॉल ही, अब आप अननेसेसरी शॉट ना खेलें, रिस्क ना लें। वसीम भाई आउट होना ना, जो आउट होता है बैट्समैन, जैसे क्लासन आउट हुआ, वो इंपैक्ट डालता है T20 में, सही है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे मिलर मौजूद था, सही है, और जो इस टाइप का प्लेयर है कि आराम से मैच जितवा देता है, उस मैंने उसको खुद देखा है 20-20 रन करते हुए, नो डाउट वो कैच जो उसका हुआ है, हम ये तो नहीं बोलेंगे खराब फील्डिंग या बैट शॉट, वहाँ पे 16 रन जब चाहिए शॉट यही तो यही करना था। सारी टीम जीती है और शायद भाई हम इंडिया की बात कर रहे हैं आगे भी करेंगे, लेकिन जरा एक लम्हे को आप भी जरा साउथ अफ्रीका पे कमेंट कीजिए, ये क्या चोकर्स आज चोक किया, क्या किया आज? बिल्कुल रियली उन्होंने वो उस टैग को सही साबित किया, उस टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लकब उनसे अब हट जाएगा। फिनिश करना चाहिए था, उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहिए था। ये मेरा पॉइंट है कि जो जैसे बासित भाई ने शुरू में कहा था ना कि क्लासन काम कर चुका था, मैच हाथ में आ चुका था, अब मिलर का ये काम था कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है वो उसको फिनिश तो करता ना, तो वहाँ उनसे गलती हुई है और वही वजह है कि वैसे नजीब लास्ट ओवर में जब 16 रन होते हैं तो उसने हिट आउट ही करना था। नहीं नहीं, मैं लास्ट ओवर तक जाने की बात ही नहीं कर रहा ना, अगर आप थोड़ा बहुत ठीक है बुमरा बहुत जबरदस्त है पर थोड़ा बहुत तो करते हैं, यही गलती सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन बने ना, जब 2 ओवर पे 20 चाहिए थे। देखिए ये देखिए 17 बॉलों पे 21 किया है, एक छक्का एक चौका लगाया, वहाँ पे सिर्फ एक एक बाउंड्री और दोनों लग जाती तो ये मैच लास्ट ओवर तक नहीं जाना था। ऐसा मैच कभी लास्ट ओवर तक नहीं जाने देना चाहिए, इतना प्रेशर मैच, इतना प्रेशर आ जाता टीम पे। आप देखें कि ये सिर्फ यही वजह रही है कि अभी जाएंगे बुमराह का ओवर खत्म होगा, वो फ्लो कंटिन्यू रखते ना तो ये टाइम नहीं आना था। ये क्लासन जिस बॉल पे आउट हुए ना उससे पहले वो मैच जीत चुका था जी, बिल्कुल शॉट मारा है कि अब हम मैच जीत, वो लेजी खेला उस बॉल को, वो लेजी और आ गया वर्ल्ड कप हो गया। जब तक मैच ना जीता जाए जब तक, दोस्तों इससे अंदाजा लगता है कि देखो यदि आइंस्टाइन जिंदा होते तो वो कहते कि चलो मैं भी हार गया, इतना IQ लेवल मेरा भी नहीं है, 200-250 बहुत हो जाता है, या फिर गधा भी देख रहा होगा तो वो भी कह रहा होगा कि नहीं मुझसे भी नीचे की वैरायटी उपलब्ध है, तो उसे भी अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा होगा कि मैं ही गधा नहीं हूँ, गधा से नीचे की भी वैरायटी उपलब्ध हैं। तो क्योंकि देखिए आप बातें इस तरह की करते हो, बॉल के अंदर स्प्रिंग था, मतलब आपको सिर्फ टारगेट करना इंडिया को, इंडिया जीत कैसे गया, और इंडिया हार गया होता तो साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो लेकिन हार गया ना साउथ अफ्रीका तो साजिश हुई है, तो भैया मतलब इसका मतलब या तो पाकिस्तान की टीम बिकी है, पूरी दुनिया बिक गई, भारत ने सबको खरीद लिया, स्प्रिंग भी सभी अंदर डाल लिया, तो पूरी दुनिया बिकी है, तो पाकिस्तान की टीम भी तो खेल रही थी, यानी कि आप भी बिकते हो तो फिर इस तरह की बातें मत करो यार, अपने खिलाड़ियों की बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग, किस तरह के बेवकूफ लोग हो तुम, मतलब पूरी अमेरिका जैसी महाशक्ति को हमने खरीद लिया, बाकी टीम चलो ठीक है उतना उनके पास पैसा नहीं है, उनको सबको खरीद लिया, पाकिस्तान भी बिका होगा क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत जल्दी बाहर हुई है साउथ अफ्रीका जैसी टीम तो, और अगर मुझे समझ नहीं आ रहा अगर बिके होते तो फिर तो पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाना चाहिए था इंडिया को, क्योंकि उस पाकिस्तान और भारत के मैच में तो टिकट बहुत बड़े लेवल में बिकती है, रिकॉर्ड टूट जाते हैं ऑनलाइन देखने में, 4-4, 5-5 करोड़ लोग लाइव देखते हैं, तो उससे ज़्यादा कमाई हो सकती थी जब इंडिया ये काम कर ही रहा था तो फिर पाकिस्तान को लेकर आता, लेकिन क्या है कि IQ लेवल या तो आइंस्टाइन से 200-250 के समथिंग है, आइंस्टाइन का कितना होगा उतना एग्जैक्ट याद नहीं, 160-170 ही होगा, तो इनका या तो 200-250 IQ लेवल है या फिर गधे को भी पता चल गया कि उससे भी नीचे वाली वैरायटी मौजूद है।